खूप सुंदर आहे, तुम्ही एकदा खाऊन बघा। म्हणजे समथिंग हे तो खूप युनिक आहे। तुम्ही चाट पाहिल तर म्हणजे तुम्ही कधी पाहिलं नसेल, इतकं छान आहे। कॉस्ट वाईज पण छान आहे, टेस्ट वाईज पण खूप मस्त आहे। तुम्ही याच्या आधी खाल्लंय फर्स्ट टाइम? म्हणजे इथले सगळे प्रोडक्ट मी खाल्लेले आहे। पाणीपुरी, दही वडा पण इतका चीप आहे, पण असं तुम्ही म्हणाल ना तर असं घरच्यासारखं टेस्ट आहे। म्हणजे तुम्हाला बनवायचे इतके कष्ट नाही आहे। म्हणजे खूप छान आहे। 65 रुपीज मध्ये दही वडा, आणि तो पण इतका टेस्टी आहे की तुम्हाला खातानाच असं फिलिंग येईल की मी घरी खातो। ओके, थँक्यू। चटपटी चाप, ये मलाई चाप, अफगानी चाप। ओके, ये हमारी हरियाली चाप है। हरियाली। और ये है अचारी। अचारी, ये नॉर्मल चाप आते हैं और उसे फ्लेवर में कन्वर्ट करते हैं। और इसके अलावा हमारे पास है अमृतसरी चाप। अमृतसरी, हाँ जी। ओके, जब आप ये जब स्टार्ट किया था आपको डर लगा कि ये चलेगा नहीं चलेगा? पूरी कॉन्फिडेंस थी मुझे। अच्छा, ये चलेगा। अच्छा, मेरे हस्बैंड को, मेरे ब्रदर को था कि नहीं, ये पता नहीं कौन सी चीज़, कौन सी चीजें, हाँ मुंबई में चलेगा नहीं चलेगा, पूरा कॉन्फिडेंस था ये चलेगा। और बहुत अच्छा चला। ओके, 19 में बहुत अच्छा चला, 20 में आ गया, बट 21 से जो हमने जून में स्टार्ट किया उसके बाद बहुत अच्छा हमारा चला। और भी फ्लेवर्स लेकर आ रहे हैं। ओके, हमारा ये नेक्स्ट से और नए नए फ्लेवर स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा हमारा फूड है, मैंगोस है, अमृतसरी कुलचे हैं, अमृतसरी कुलचे, मतलब जो हरियाणा, अमृतसर, पंजाब, ये हाँ वहाँ का जो स्ट्रीट फूड है, जहाँ का वो स्पेशलिटी है, वो आप मुंबई में लाना चाहते हो? ओके, आपका ये सब प्रॉपर यहाँ पे वेज का है, बराबर? अभी अपने नॉन वेज में चालू। नॉन वेज भी जो हमने स्टार्ट किया पूरा जैसे पंजाब और दिल्ली में मिलता है, वैसे मतलब वही स्टाइल में, वही स्टाइल है पूरा, और टेस्ट भी वही है, वही सब वही है। मलाई चाप मैं ले रहा हूँ। क्या ले रहे हो? मलाई चाप। मलाई चाप, अच्छा, लेकिन ये किस चीज का बना है? सोयाबीन का। और सोयाबीन और क्या क्या डाला इसके अंदर? सोया रहता है, मतलब ये पूरा सोयाबीन ही है। हाँ। लेकिन इसका अलग दिख रहा है, ऐसा कुछ रोटी लग रहा है ये। नहीं सर, ये सोयाबीन है। सोयाबीन। हाँ। अच्छा, लेकिन ये सोयाबीन ऐसा रोल कैसे हो गया? रोल रुमाली रोटी में रैप करते हैं ना सर, मतलब सोयाबीन आप रुमाली रोटी में डालते हो और उसको रैप, मतलब रैप करके करते हो वैसा? ये रेडीमेड आता है दिल्ली से। ये जो चॉप है वो रेडीमेड आता है दिल्ली से? दिल्ली से आता है। अच्छा, ये मलाई चाप डाला। ये क्या डाला उसके अंदर? चाट मसाला। चाट मसाला, ये क्रीम, क्रीम डाल दिया। फ्रोजन है ये? अच्छा, ये फ्रोजन से आता है दिल्ली से? अच्छा, ओके। ये हो गया रेडी? अभी इसमें और पड़ेगा, धनिया पड़ेगा। अच्छा,
इसको क्या बोलते हैं, सोया चॉप, मतलब मलाई सोया चॉप। ये अपने अमूल बटर, ये कौन सा चटनी? दही वाली चटनी। दही वाली चटनी, आप क्या बना रहे हो? स्टॉप चीज गार्लिक पराठा। कौन सा पराठा? स्टॉप चीज गार्लिक पराठा। स्टॉप चीज गार्लिक पराठा। अच्छा, पहले चीज लिया। हाँ, ये चीज लिया, आलू लिया, आलू लिया, धनिया पाउडर लिया। अच्छा, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, ओके, चिकन टिक्का मसाला, चिकन टिक्का मसाला। अच्छा, नमक लिया, मिर्ची पाउडर, कांदा लिया, बटर डाला, अमूल बटर। मैंने स्टोपिंग बना दिया। गेहूँ का आटा, यार उसको बंद करवा यार। ये लो, ये क्या हुआ? लहसुन है। लहसुन, ऊपर से फिर चीज घिस रहा हूँ। पूरा एकदम तंदूरी बन गया, तंदूरी रोटी जैसा पराठा बन गया पूरा। चौपर दे, खाने का भाई, पराठा खाने का है। बना रहे हो हरियाली रोल? हरियाली रोल बना रहे हैं। ये भी सोयाबीन का है। ये कौन सा चटनी डाला, लाल वाला? वो ग्रेवी है, रेड ग्रेवी। आप अभी ये बना रहे ना, छोले भटूरे? छोले भटूरे बना रहे, अभी थोड़ा तेल गरम हो जाए। हाँ हाँ,
70 पे टेम्परेचर। अच्छा आपको इधर मालूम पड़ रहा है टेम्परेचर ये है, बट अगर टेम्परेचर कितने में पड़ रहा खुलना चाहिए कितने निकालना है, अगर 57 में 70-75 पे जाएगा तब हम डालेंगे इसमें। आपका ये 70 डिग्री पे गया क्या? मैं डालूंगा एक प्लेट में दो भटूरे। यस प्याज की चटनी है, मिर्ची के अचार, ये है छोले। क्या क्या नॉर्मल मटर पनीर छोला रायता अचार ये नॉर्मल है। नॉर्मल है ये है करारी आलू टिक्की। करारी आलू टिक्की, करारी आलू टिक्की। अच्छा इसको करारी नाम कैसे दिया आपने? आइए करारा वैसे तो हम बनाते तावा में। हाँ अभी तावा का अभी बनाने के लिए भैया काउंटर अलग ही। अच्छा इसको बनाया करारी तो हम बिल्कुल करारा हो जाता बिल्कुल। ये आप क्या बना रहे हो करारी? छोले टिक्की है। छोले टिक्की दही के साथ भी है, छोले के साथ भी है, रगड़े के साथ, जो कस्टमर जो ऑप्शन मांगेगा वही अभी लगा रहा हूँ। छोले टिक्की, छोले टिक्की ये डाला छोले, एक चम्मच छोले इसमें डाले, चटनी मीठी तीखा चाट मसाला धनिया जीरा मिर्चा हल्का एक कांदा सेव अभी आप शुरू कर सकते हैं आलू टिक्की। नारी आलू टिक्की, ये आलू टिकिया ये टिकिया है। पापड़ी, अच्छा ये पापड़ी, हाँ पापड़ी आलू पापड़ी, ये बेसन के पकोड़े, बेसन के पकोड़े, हाँ सिर्फ बेसन है पकोड़ा, बेसन पत्ता गोभी है इसमें, कंदा है, सब पकोड़े बनाए हैं। अच्छा डालेंगे आलू चना का मसाला है, आलू चना मूंग। ओके इसके अंदर पड़ेंगे दही बड़ा, ये है मखमली दही बड़ा, दही बड़ा हल्का चाट मसाला मार देंगे इसमें, इसमें ऊपर से सूखी पापड़ी, सूखी पापड़ी, हाँ पापड़ी और इसे डालेंगे मीठी चटनी, ये है गुड़ की है और खजूर की चटनी है, खजूर की चटनी, तीखा चटनी, बहुत तीखा चटनी,
ये है बूंदी, ये है सेव, ये है कोरिएंडर। अब रखते हैं हम थोड़ा साइड में चटनी टिक्की वाली, और हल्का सा ऊपर से मेरी चटनी डेकोरेशन के लिए। ये देखिए, ये है स्पेशल बास्केट चाट, नवाबो शहर से अनोखे स्वाद की टुकड़ी। ओके, अब प्ले हो गया। क्या क्या